हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज के दिन प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं हम। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज हम एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जोन की बात कर लेते हैं। जोन के बारे में बात करेंगे तो जोन एक सिंपल सा, ये एक ऐसे, मान लीजिए कोई प्राइस आया और वो प्राइस ऐसे ही यहाँ पर रिटेस्ट करता रहा। ठीक है दोस्तों, एक सिनेरियो तो ये रहा। एक यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक, और ये कुछ, ये डिपेंड करता है जोन जोन ज़्यादातर डिपेंड करता है आपके, मतलब टाइम फ्रेम को, कि आपका टाइम फ्रेम क्या है और आप किस टाइम फ्रेम पर। जो आपके टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस जोन को ट्रेड करेंगे। इसके दो सिनेरियो बनते हैं। सबसे पहले वाला ये जो मैंने आपको दिखाया, और दूसरे वाला सिनेरियो रहेगा, ये रहेगा आपका बाय साइड। ठीक है दोस्तों, ये रहेगा आपका बाय साइड। अभी बात कर लेते हैं पुट साइड की। तो पुट साइड के अंदर आपका सिनेरियो, मान लीजिए कि ये साइड भी, ये एक जोन मार्केट का, और मार्केट आया आया पर एक मार्केट ने नीचे गया और फिर से यहाँ से रीटेस्ट। देखिए मार्केट चाहे आप बाय करें या फिर सेल करें, मार्केट को रीटेस्ट जो है, रीटेस्ट मार्केट को ज़रूर लेना होगा, और रीटेस्ट के बाद ही आप जो है ट्रेड करेंगे। ठीक है दोस्तों, यस, कुछ ऐसे ही आप ट्रेड कर सकते हैं। वो बताता हूँ मैं अभी आपको, बैंक निफ्टी के अंदर दिखाऊंगा ये वाला सिनेरियो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी बैंक निफ्टी के अंदर ये देखिए, आज ही के दिन ये बना। मार्केट में देखिए कैसे है, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। तो मार्केट देखिए कैसे बिहेव करता है। आया एक, दो, चार, री टेस्ट, फिर से अप। यहाँ पर देखिए एक, दो, रेजिस्टेंस, यहाँ पर मार्केट ने अभी रेजिस्टेंस लिया है और सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी को। और ये जो लेवल था, इस लेवल को हम नाम दे देंगे 41,500। आप अगर लगातार ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, और कमेंट ज़रूर करें कि आगे आपको कौन से प्राइस एक्शन का लाइव ट्रेड देखें। ये मैंने आज के दिन 9 तारीख को लाइव अपनी ट्रेडिंग के अंदर इसे यूज़ किया। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा 41,440 के आसपास का। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप इसको जोन ट्रेड कर सकते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे। अब चलिए बात कर लेते हैं एक सिंगल स्पोर्ट के बारे में, सिंगल स्पोर्ट के बारे में। सिंगल स्पोर्ट कैसा होगा, बस एक लाइन कि मार्केट कहाँ पर लाइन बनाई हुई है, और जैसे आप देख सकते हैं 41,600 के ऊपर मैंने लाइन लगाई हुई है। यहाँ पर एक, दो, और ये तीन, ये मार्केट ने कुछ ऐसा जोन बनाया हुआ है जहाँ पर मार्केट 3 बार आ चुका है, और वो भी 5 मिनट के 2 दिन के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब भी मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट ने सेलिंग दी है। ये जो रहेगा रेजिस्टेंस का काम,
और मार्केट जब भी यहाँ पर इस एरिया में देखिए, इस लाइन को देखिए, 41,300 की ये जो स्पोर्ट है, इस स्पोर्ट को देखिए, यहाँ पर मार्केट जब भी आया, या तो जब नीचे था तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अब जब मार्केट इसके ऊपर गया तब इसने सपोर्ट का काम किया। वैसे ही यहाँ पर मार्केट जब ये नीचे आया तब इसने रेजिस्टेंस का काम किया और तब जाकर ये नीचे गया, और वैसा ही काम यहाँ पर सपोर्ट के अंदर हुआ। और ये क्या है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस इसने 3 बार कर लिया, 1, 2। पहले 2 बार जो था, एक बार जब किया मार्केट गैप अप डाउन ओपन हुई, मार्केट ने फिर कोशिश की, फिर से गैप डाउन हो गई, मार्केट फिर से रीटेस्ट करके गई, फिर ऊपर गई, और इसी लेवल से मार्केट ने डाउन ट्रेंड, एक सिंगल डाउन ट्रेंड दे दी विदाउट एनी रीटेस्ट। बट ये जो जोन था, बट ये वाला जो जोन, ये जो लाइन लगाई हुई, ये जो जोन पर ये लाइन लगाई हुई है, इस पर मार्केट का एक सॉफ्ट रीटेस्ट था, और तभी मार्केट ने यहाँ से रीटेस्ट लेकर अच्छी ट्रेड हमें लगभग लगभग इसके अंदर 300 पॉइंट, सॉरी 200 से 250 पॉइंट आराम से इसके अंदर मिल गए दोस्त। और ऐसे पॉइंट्स आप भी कैप्चर कर सकते हैं अगर आप लगातार इस चीज़ काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसका मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ, जोन रीटेस्ट, जोन रीटेस्ट बाय सेल, ठीक है दोस्तों, ये रहा बाय का सेलिंग। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगली वीडियो में के लिए नई नई स्ट्रेटजीज लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।